अख्तर अली मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट के सिलसिले में आज सातवां मैच यंग ब्लड फुटबॉल क्लब वर्सेस जंडियाला फुटबॉल क्लब अभी कुछ देर में शुरू होने वाला है। तीसरा अख्तर अली सिद्दीकी मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट और इसका नाम यंग ब्लड फुटबॉल क्लब चैंपियन जंडियाला और जंडियाला बागवाला के दरमियान खेला जा रहा है। मैच अभी तक बगैर किसी गोल के बराबर है। हम अपने मौजूद मेहमान जनाब तारिक तुम साहब मियां नायक साहब हम इनको तहदिल बधाइयों से खुश आमदीद कहते हैं। ये टूर्नामेंट जिला चौधरी अमजद अली गुजर उसकी सरपरस्ती में जनाब चौधरी अमजद शहर गुजर वाइस चेयरमैन उनकी जेरे सरपरस्ती अख्तर अली सिद्दीकी मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट आज इसका मैच यंग ब्लड फुटबॉल क्लब गुजरा वाला निशाना रोड जिसका तल्लक निशाना रोड से है और दूसरी टीम जंडियाला बाग वाला काली शर्टों में मगरूर मैच का पहला हाफ जारी बगैर किसी गोल के मैच बराबर। Gracias.
फुटबॉल क्लब को कानून मिली है। आज का ये खूबसूरत मैच यंग वैर फुटबॉल क्लब निशाना रोड जिसका गलत निशाना रोड से है और जिंदाबाद बाघा वाला बाढ़ वाला अभी तक मैच बना किसी गोल के बराबर। हम दोनों टीमों को मिनी स्टेडियम गुड़िया वाला में खुशामदीद कहते हैं। अख्तर अली सिद्दीकी तीसरा अख्तर अली सिद्दीकी मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट आज इसका सातवां रोल यंग मैन फुटबॉल क्लब जिसका तलक निशाना रोड से है और जुड़ियाला बाग वाला जबरदस्त समझा और ये बात अशर के पास था। अशर हफीज हफीज और हफीज की जबरदस्त शूट और बाल हफीज के पास और ये यंग प्लेयर के प्ले ने बहुत अच्छे तरीके से इसको सेव किया। फिर बाल हफीज के पास और फिर की शूट और गोल टू टू की दोस्त को कैच बाढ़ वाला और यंग प्लेयर फुटबॉल क्लब हम अमीर स्पोर्ट्स फुटबॉल कप्तान अमीर स्पोर्ट्स फुटबॉल क्लब के कप्तान जिनाब कपूर साहब को खुशामदीद कहते हैं। चेंज किया यंग प्लेयर ने और ये जबरदस्त अच्छे तरीके से यंग प्लेयर के प्लेयर इसको सेव किया। बाल साबी के पास और साबी का बिल्कुल गलत पास सटीक पास साबी के पास एक खिलाड़ी को डाल दिया दूसरे को डाल दिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मैच यंग प्लेयर फुटबॉल क्लब निशाना रोड गुड़ियावाला और जुड़ियाला फुटबॉल क्लब जुड़ियाला बाग वाला के दरमियान खेला जा रहा है।
बगैर किसी गोल के बराबर। अख्तर अली सिद्दीकी मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का सातवां रोज Thank you.
बड़ी कोशिश कर रहे हैं सफाई खिलाड़ी ने कबूल किया बाल इस वक्त अधीश के पास आई है लड़के जो के पास नहीं अपने साथी के और उसके बाद मौसम में बाल का दिया गोल करने की कोशिश और बाल हुई इस वक्त लेकिन खिलाड़ी साथ दफाई खिलाड़ियों ने पूरा दफा किया गोल करने की कोशिश नाकाम रही। मौसम की वजह से बहुत अच्छा पास था जो कि दूसरे खिलाड़ी से फायदा नहीं उठा सके के पास बाल मौसम एक बार फिर बहुत अच्छा पास दिया एक बार को पास दिया क्रास लगाने की कोशिश की लेकिन क्रास में इतनी जान नहीं थी कि वो बाल गोलकीपर के पास रियल दूसरा वाला यूट्यूब चैनल के वाले से मैं तमाम साथियों से दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा ऑडियंस से तमाम खास तौर पर खिलाड़ियों से कि जितने भी खिलाड़ी हैं उनके जितने भी मैचेस होते हैं खलील कबीर साहब इनकी कवरेज के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं तो तमाम ऑडियंस खिलाड़ियों से गुजारिश है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ये खिलाड़ी जब अपने घर लाएंगे तो यकीनी तौर पर यूट्यूब चैनल चलाएंगे तो उसके ऊपर आपका आज का ये मैच अपलोड कर दिया जाएगा और साथ मैच देख के एंजॉय करें और हम उम्मीद करेंगे कि आप उस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और अपने कमेंट के साथ अपने राय का इजहार भी करेंगे। रियल गुजरा यूट्यूब चैनल आप सबका चैनल आपकी तमाम एक्टिविटी उसके ऊपर अपलोड कर दी जाती है जो कि आप जिंदगी में किसी वक्त भी देख सकते हैं का याद उसके ऊपर अपलोड होगी और आप और अपने दोस्तों को अपना अपनी एक्टिविटी अपनी मैच दिखा सकते हैं। बारिश में बच जिंदा फुटबॉल इक्की लेकिन दो लाइन क्रॉस कर गई इक्की लेकिन आज के मेहमान से हमारे गुरु साहब और आजम भट्टी साहब हम वेलकम करते हैं महदोले साहब आज उनको भी ग्राउंड में वेलकम करते हैं जबकि कोच अकबर मैन अपनी टीम के साथ लगा हैं उनको भी वेलकम करते हैं जबकि झंझारे फुटबॉल क्लब के जनाब ममसा भी ग्राउंड में मौजूद हैं इनका भी शुक्रिया इनका भी खुशियां व्यक्त करते हैं। इनको भी हम वेलकम करते हैं बहुत शुक्रिया अलियास आलम साहब आप तशरीफ लाए मेरे साथ बैठे हुए सलमान काजी वो भी बड़ा कोच हैं जो तशरीफ लाए उनको भी वेलकम किया जाता है। बारिश होकर मौसम के पास मौसम बाल को लगा कर बैठते हुए एक साथी को पास दिया लेकिन बाल जो है वो सीधा गोल की प्रयास में लंबी के गोल जनरल को से बाल आ गया फिर
फायर करने की कोशिश की लेकिन किक नहीं कर सके, दोबारा गन फायर को डाल दिया, गोल में किक करने की कोशिश की लेकिन गोल में किक नहीं कर सके और दफर खिलाड़ी ने बॉल को क्लियर करने की कोशिश की, बॉल साइड लाइन पर जा रही है। और इसी के साथ रेफरी की तरफ से विसल के हाफ टाइम हो चुका है। मैच का पहला बगैर किसी गोल के बराबर।